हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक इन्फॉर्मेशन में लेके आपके सामने आया हूँ, लाइव आया हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, कि बीटेक एमबीए नहीं, रेलवे को चाहिए आईटीआई पास। क्यों रेलवे ने ये बात कही और किसके लिए ये बात कही? बट माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जो 18-19 में ग्रुप डी की आपकी जो वैकेंसी आई थी, ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, वो था आपका 10वीं पास, और इसके अलावा आईटीआई पास हुआ, या इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए था। मतलब अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, ठीक, तो उसके लिए, उसके बावजूद भी आप क्या हो सकते थे, इस वाली जो जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, जो आपके ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है, उसमें बच्चों आपके गैंगमैन होते हैं, ट्रैकमैन होते हैं। ये कौन होते हैं, आपने देखा होगा, आपने रेलवे में सफर किया होगा बच्चों। ये तपतपाती धूप हो, कड़कड़ाती सर्दी हो, ये लोग हाथ में हथौड़ा लेके आपके क्या कहते हैं, ट्रैक में चलते हैं, ताकि आप अपने सफर में, अपने गंतव्य पे बहुत आसानी से पहुंच सके, आपको कोई असुविधा ना हो, ठीक। तो ये भी आपके रेलवे के रियल हीरो हैं, जो जमीनी तौर पर आपके काम करता है। तो एक सैल्यूट तो इनको भी बनता है, गैंगमैन, ट्रेड्समैन। लेकिन बच्चों हुआ क्या, 18-19 में जो रेलवे ने अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला था, उसमें हमने उसमें देखा, रेलवे ने जो नोटिस किया, कि उसमें जो मैक्सिमम लोग जो है, बीटेक एमबीए के लोग भी ने भी ये परीक्षा जो है पास करी, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी वो ओपन थी, वो ओपन थी। लेकिन जब काम करना, देखो एग्जाम निकालना और फील्ड में काम करना, देखो बहुत बड़ा अंतर होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक। एक बीटेक किया हुआ, एमबीए किया हुआ, उसने जो है अपने आप को फिजिकली जो है उतना कौशल, उसने अपने आप को उतना नहीं खपाया है वर्कशॉप में, जितना कि एक आईटीआई वाला खपाता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, आईटीआई वाला जो है स्किल वर्क करता है, वो कौशल करता है, वो मेहनत वाला काम करता है, किसमें, अपना वर्कशॉप में, बहुत ज्यादा आपका। तो उस तरीके से वो अपने काम के लिए तैयार हो जाता है, बहुत तैयार हो जाता है, ताकि वो फील्ड में काम कर सके, ठीक। लेकिन एक बीटेक वाला, एक एमबीए वाला, ये लोग जो है इतना तैयार नहीं होते हैं, आपके जो स्किल्ड वर्क है इसके लिए तैयार नहीं होते हैं इतना। क्यों? क्योंकि उतना इन्होंने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया होता है। तो रेलवे ने देखा, जब ये रिक्रूटमेंट हुआ, होने के बाद जब ये इनको फील्ड में उतारा गया, तो देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो काम नहीं करते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, या वो करना नहीं चाहते हैं। और ये वाली जो वैकेंसी थी बच्चों, ये ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, लेवल 1, 1800, जिसमें आपका ग्रेड पे है, 1800 आपका क्या है, इसमें ग्रेड पे है। और तमाम सारी जितने भी आपका डिपार्टमेंट हो, चाहे सिविल हो, इंजीनियरिंग हो, मैकेनिक, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिग्नल और टेलीकॉम पदों में, हाई स्कूल के साथ आईटीआई, और या फिर अप्रेंटिस प्रमाण होना जरूरी होगा। अब क्या कर दिया बच्चों, अब क्या कर दिया, अब ये कर दिया है रेलवे ने, अब क्या कर दिया रेलवे ने, रेलवे ने क्या कर दिया, अब रेलवे ने अब क्या कर दिया, पहले जो आपकी हुई थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती थी बच्चों, पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती थी आपकी, वो क्या होती थी आपकी, ये देखो बच्चों, पहले जो थी वो क्या था आपका, 10th पास प्लस नेशनल सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाई नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, और 10th पास पूरा आईटीआई, ये अब कर रहा है। लेकिन इससे पहले बच्चों, अगर इससे पहले की मैं अगर बात करूं, तो इससे पहले क्या था बच्चों आपके पास, इसके ये देखो बच्चों, इससे पहले आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, रेलवे के ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी, आई आती थी आपकी, उसमें क्या आता था आपका, वो उसमें रिलैक्सेशन दिया गया था, रिलैक्सेशन में कह सकता हूँ, रिलैक्सेशन उसमें दिया गया था, उसमें क्या था, 10th पास, आपको 10th पास होना चाहिए, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक, ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल, या फिर आईटीआई होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट। मतलब 10th पास अगर आपने किया है, आप एज लिमिट के अंदर अगर आ रहे हो, तो आप इस वैकेंसी को, मैं आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते था। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसका मतलब ये हो गया था कि ये ऊपर वाले लोगों के लिए क्या हो गई थी, एक ओपन हो गई थी, ओपन वैकेंसी हो गई थी, ठीक। लेकिन आपको पता है,
मैंने आपको पहले ही कहा कि आईटीआई वाला जो होता है, आईटीआई वाला जो होता है वो क्या होता है, वो कौशल का काम करता है, उस व्यावसायिक शिक्षा हासिल की होती है, उसने कौशल किया होता है, उसने वर्कशॉप में पसीना बहाया होता है, ठीक, वो फिजिकली वर्क करता है, वो फिजिकल काम करता है, मशीनों पे हो चाहे आपका किसी भी जॉब पे हो, मशीनों पे हो, जॉब पे हो, वो फिजिकली काम करता है, तो वो उस तरीके के काम के लिए तैयार होता है जिसमें फिजिकल वर्क हो। लेकिन इससे ऊपर अगर आदमी आएगा, हायर क्वालिफिकेशन का आएगा आदमी, तो वो हो सकता है कि उस काम को करने में कतराता भी होगा, हो सकता है उससे उतना नहीं हो पाता है, उतने एफिशिएंटली से वो कर भी नहीं पाएगा, ठीक, जितने अच्छे से आपका एक आईटीआई पास और एक आईटीआई पास वाला जो बच्चा है वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको टेक्निकल बहुत बेसिक जमीनी तौर पर उसको क्या है, आपका नॉलेज है, ठीक। तो इसीलिए इसी परेशानी को देखते हुए बच्चों रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने अपना जो सिस्टम है रिक्रूटमेंट का वो चेंज कर दिया है। अब उसने कर दिया लेवल वन की वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल वन ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिग्नल एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th+ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। 10th पास होने के साथ साथ आपका आईटीआई होना जरूरी है, 10th पास होने के साथ साथ आपका आईटीआई होना बहुत जरूरी है, या आपके पास 10th पास के बाद आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। होती ना, कुछ आपने देखा होगा कुछ कंपनी जो होती है आपको नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत आपको कोर्स करवाती है और उसी में उसका जो अप्रेंटिस हो जाती है उसी कोर्स के दौरान वो हो जाती है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो होता है उसी में दौरान आपका क्या करता है, वो पूरी ट्रेनिंग करवा देता है उसको 10th के बाद 8th के बाद। अब थोड़ा सा बच्चों इसमें थोड़ा और समझते हैं हम, अगर आपको अप्रेंटिस करनी है बच्चों तो उसके लिए मिनिमम जो एज है आपकी वो 14 साल होनी चाहिए। अप्रेंटिस अगर आप करते हो नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत अगर आप अप्रेंटिस करते हो तो उसमें आपकी जो मिनिमम एज वो 14 साल होनी चाहिए, ठीक। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th, 10th, 12th आपका 8th, 10th, 12th बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं आपके जिसमें आईटीआई 8वीं पास जो है लिया जाता है। कुछ ट्रेड्स होती हैं आपकी क्या कहते हैं जिसमें 10th मैक्सिमम ट्रेड आईटीआई की जो है उसमें क्या 10th पास लिया जाता है, कुछ होती हैं आपकी जिसमें आपकी 12th पास लेते हैं। अब इसके अप्रेंटिस स्कीम भी बेटा अलग अलग तरीके की है कि आपकी ट्रेड वाली अलग है जिसमें आईटीआई, आपकी डिप्लोमा की अलग है, ठीक, डिग्री लेवल की आपकी अप्रेंटिस अलग अलग होती है। और अप्रेंटिस बच्चों हो सकती 6 महीने से शुरू हो सकती है आपकी और 3 साल तक हो सकती है, कुछ में 4 साल तक भी आपकी अप्रेंटिस होती है कुछ कोर्सेज में, ठीक, तो डिपेंड करता है आपका। तो यहां पर एक चीज हमें क्लियर हो गई, अब जो रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी गैंगमैन ट्रैकमैन, इसमें 10th के साथ आपका आईटीआई होना कंपलसरी है या 10th के साथ आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इतनी बात बच्चों क्लियर होगी, यही इंफॉर्मेशन क्या थी आपको, यही इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आज आपके पास सामने लाइव आया था। थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं कि क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी कि रेलवे को ये डिसीजन देना लिखा। यहां देखो बेटा हेडिंग आपका, देखो हेडिंग बीटेक एमबीए नहीं रेलवे को चाहिए आईटीआई पास। क्यों रेलवे ने क्यों ये फैसला लिया, क्योंकि उसने महसूस किया होगा जब इस बार नया रिक्रूटमेंट आया होगा, रिक्रूटमेंट के बाद जब वहां पर उनको फील्ड में भेजा गया होगा तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पाई होगी जिसमें कि आपके जो हायर डिग्री वाले हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो उतने अपने काम में कुशल नहीं है, ठीक। देखो 5 किलो का हथौड़ा लेकर पटरियों की पेट्रोलिंग और मरम्मत करने वाले गैंगमैनों में अब बीटेक एमबीए जैसे अभ्यर्थियों ने रेलवे परहेज करेगा। मैंने आपको बताया 5 किलो का हथौड़ा, अगर आपने रेलवे में बच्चों सफर किया होगा तो आपने देखा होगा ट्रैक के किनारे किनारे जो है आपके गैंगमैन ट्रैकमैन चलते रहते हैं। मैंने पहले कहा ये रेलवे के रियल हीरो हैं, ये जमीनी तौर पर जो काम करते हैं, तपतपाती धूप हो, कड़कड़ाती आपकी सर्द हो, इन सभी कैसा भी आपका मौसम हो बच्चों, आप अपने गंतव्य में आपकी यात्रा सुगम हो, आपका डेस्टिनेशन बहुत अच्छी तरीके से बीते हो, आपको कोई परेशानी ना
हो, आपकी ट्रेन जो है समय से आपको गंतव्य पर पहुंचाए, इन सभी में बच्चों इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए ये रियल हीरो है बच्चों, इनके लिए भी हमारा एक सैल्यूट है, क्योंकि ये जमीनी तौर पर बच्चों काम करते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस विभाग रेलवे ने परहेज किया है, विभाग अब आईटीआई पास और अप्रेंटिस प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को गैंगमैन जैसे पदों पर भर्ती करेगा। पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं, वो क्लियर कर रखो कर चुके हैं, वो क्लियर कर चुके हैं हम। ये बच्चों ये क्या है, ये रेलवे का नोट, ये रेलवे का ही है, ये क्या है आपका रेलवे का ये क्या है आपका रेलवे का ही आपका ये नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे। ये देखिए, अटेंशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल वन ग्रुप डी में। ठीक, ये चीज हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो, पहले उसने चेंज कर दिया ग्रेड पे 1800 पर कोई भी डिपार्टमेंट इनमें से है उसके, इसमें हाई स्कूल के साथ आईटीआई या फिर अप्रेंटिस प्रमाण पत्र बच्चों होना बहुत जरूरी है। बिना, अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक, या फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम नहीं भर पाओगे आने वाले जो एग्जाम है। एक यह व्यवस्था नई भर्तियों पर लागू होगी, जॉब आएगी बच्चों उसमें ये जो आपकी व्यवस्था है वो लागू हो गई, और इसके लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश कब का जारी कर दिया है। ठीक, रेलवे ने सबसे अधिक मेहनत कश इंजीनियरिंग अनुभाग के गैंगमैन और ट्रैकमैन ही होते हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं बड़ा, रेलवे में की रीढ़ की हड्डी अगर मैं कहूं, रीढ़ की हड्डी अगर, बैकबोन अगर मैं कहूं, ठीक, वो कौन है आपके, यही गैंगमैन और ट्रैकमैन होते हैं बच्चों, जो भारी औजार लेकर तपती धूप हो, कड़कड़ाती सर्दी हो, पटरियों में क्या करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। ठीक, अगर क्यों करते हैं, ताकि आपकी यात्रा जो हो सुगम हो, आप अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच सके। बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी आपके पेपर होते हैं, आपका पेपर होता है, एग्जाम होता है, ठीक, आपको आपकी ट्रेन जो है समय से ना पहुंच पाए तो इसका क्या, आपका अगर समय पे नहीं पहुंच पाएंगे तो आप किसको कोसोगे बच्चों, आप किसको पूछोगे, आप डिपार्टमेंट को, रेलवे को कोसोगे। ठीक, तो इनमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, आपको टाइम पे पहुंचाने के, कहीं पर भी अगर थोड़ा दिक्कत जो है ना हो, उसके लिए 24 घंटे आपने पेट्रोलिंग पर तैनात रहते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे इनके क्या काम है बच्चों, इनका क्या काम है जो आपके पेट्रोलिंग करते हैं, ये आपकी पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा बच्चों जो आपका पेट्रोलिंग करते हैं बच्चों इसके अलावा जो आपकी क्या कहते हैं पटरी है, ठीक, उसकी मरम्मत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वो भी यही लोग करते हैं, ट्रैकमैन हो और गैंगमैन हो। ठीक, तो सबसे बड़ी बात बच्चों आज के लाइव में ये थे कि इसने जो है बहुत अच्छा फैसला ले लिया है, रेलवे ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि उसके अंदर उसमें जो कौशल हो, जो इस काम को कर सके, जो सच में जो दिल से इस काम को कर सके, जिनके पास इस काम का कौशल है, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी की भीड़ में ही आप इसको ज्वाइन कर ले हो, लेकिन उसके बावजूद जो है जब आपको काम दिया जा रहा है वहां पर, तब आप काम से कतरा रहे हो। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसने बहुत सही किया कि जिस लेवल की आपकी जॉब है केवल वही यहां पर आए जो सही में सेवा दे सकता है, क्योंकि ये भी क्या है आपका, ये भी सेवा कर रहे हैं, ये भी हमारे आर्मी के जवानों से कम नहीं है। ठीक, दसवीं पास, जबकि अब ये मैं आपको कहली कथन होता हूं क्यों किया गया बेटा ये, क्यों किया ये, ठीक, क्यों किया गया ये, गैंगमैन पदों के लिए दसवीं पास की जगह बीटेक, एमटेक, एमबीए सहित कई तरह के उच्च व्यवसायिक शिक्षा हासिल करने वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था और वो पास भी हो गए थे। रेलवे में चयन होने के बाद जब इन उच्च शिक्षित कर्मचारियों को भारी औजार देकर काम पर भेजा गया तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। मैंने कहा ना बच्चों, हायर डिग्री भाई, एमबीए है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है शर्माता है या फिर कतराता है, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो कौशल हमारे आईटीआई के बच्चों के अंदर है वो कौशल उनके पास ना हो, वो नहीं कर सकते है, ठीक, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप आईटीआई वाला जो बच्चा तैयार होता है इंडस्ट्रीज के लिए, वो कोई कुशल कारीगर बन के तैयार होता है, तो उसके बाद उसने अप्रेंटिस करी तो और कुशल वो बनता है, लेकिन यहां पर उस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है, तो हो सकता है उनको काम करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो। लेकिन बच्चों हमने उस काम के लिए आवेदन किया है, हमने खुद इच्छा से अपने उस आवेदन किया है, तो हमको काम तो करना ही पड़ेगा। मंडल में ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है जो बीटेक एमबीए पास है, जो पिछले कई महीनों से काम पर नहीं आ रहे हैं, और
और कुछ बच्चे हैं ऐसे भी, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मेडिकल लीव ले ली, किसी ने स्टडी लीव ले ली है, कुछ ऐसे हैं जो आई नहीं रहे काम पे। तो बहुत सारी तमाम चीजें जो है रेलवे को जो है इस पर फर्क पड़ रहा होगा। ठीक, इसका असर है उन कर्मचारियों पर पड़ रहा है जो मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं। और ऑब्वियस ही बात है, जो काम पर नहीं आएंगे तो लोड किस पे पड़ेगा, जो काम कर रहे हैं बेचारे उन पे लोड पड़ेगा। तो इस लोड को कम करने के लिए आपके जो रेलवे ने ये आपका डिसीजन लिया है। लखनऊ रेल मंडल देश भर में गैंगमैन और ट्रैकमैन के 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। अकेले लखनऊ रेल मंडल में बच्चों देश भर में गैंगमैन और ट्रैकमैन के 1.5 लाख से अधिक जो पद है वो आपके खाली चल रहे हैं। ठीक, इसके अलावा बेटा अब ये होगी व्यवस्था, आपको मैं बता ही चुका हूं कि अब क्या व्यवस्था होगी। व्यवस्था क्या होनी है आपकी, अब क्या हो गया, द 10th प्लस ITI या 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक, किस पे है, ITI पास अभ्यर्थी का अनुभव पटरियों की मरम्मत के लिए उपयोगी साबित होगा। ITI का जो कौशल है, जो कौशल उन्होंने दक्ष कारीगर जो दक्ष कुशल जो बनकर आए हैं, उनका कौशल, उनका जो एक्सपीरियंस है वो पटरियों की मरम्मत के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। साथ ही इस योग्यता के चलते काम छोड़कर अनुपस्थित रहने के मामले भी थम जाएंगे। हायर एजुकेशन वाला नहीं आएगा बच्चों, ठीक, तो ऑब्वियस ही बात वही लोग आएगा जो उस काम को जानते हैं। तो वो क्या है, वो स्टाफ जो है वो क्या होगा, लोड भी कम रहेगा और आपका काम भी जो है वो सुचारू रूप से अच्छे से चलता पाए रहेगा। ठीक, शुभम ब्रा, हाँ बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। सर अगर कोई डिप्लोमा किया हो और अप्रेंटिस किया है तो वो अप्लाई करेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शुभम सागर, शुभम सागर, रेलवे ने एक चीज क्लियर कर दिया है कि 10th के बाद, 10th कुछ स्कीम हो सकती है बच्चों की नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा हायर डिग्री वाला यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा कुछ कुछ कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, कुछ कंपनियां जो है आपको 10th के बाद ले लेती है डायरेक्ट, या 12th के बाद डायरेक्ट ले लेती है। वो आपको ट्रेनिंग भी करवाती है और उस दौरान आपको अप्रेंटिस भी करवाती है 3 साल, उसका पैसा भी देती है। ठीक, तो वो ये चीज बोल रहा है, जरूरी नहीं है आपको ITI करना है वहां पर, वो आपको ट्रेनिंग भी कराएगा और अप्रेंटिस भी कराएगा। तो 2 साल बाद जब आप निकलोगे तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होगा। शुभम ब्रो, 10th प्लस ITI जरूरी है, बट डिप्लोमा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों बच्चों ग्रुप डी में अब डिप्लोमा जो है, ग्रुप डी में अब डिप्लोमा को, हायर डिग्री कोई भी हो आपकी, वो नहीं चलेगी, डिप्लोमा नहीं चलेगा। डिप्लोमा से प्रमोशन तो हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना आपका बेसिक क्वालिफिकेशन बच्चों होना चाहिए, आप कंप्लीट कर, 10th प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, हायर डिग्री आपके पास कुछ भी हो आप कर सकते हो। शुभम सागर मेरे बोलने का मतलब यह है कि आपके पास 10वीं पास प्लस ITI होना चाहिए, या 10वीं पास या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी हो आपका तो आप एलिजिबल हो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सर वैलिडेटेड, बिल्कुल होगा सर। आरबीएम जेई कब आएगा बच्चों, आ जाएगा आपका, ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है, आ जाएगी अभी। गुरुजी CITS वाले ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं CITS। अगर आपने देखो, अगर आपने ITI किया है, CITS कब करोगे आप, ये जब आपने ITI। लेकिन हाँ, एक चीज यहां पर पंगा पड़ेगा बच्चों, अगर आपने डिप्लोमा के बाद CITS करे होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर आपने ITI के बाद CITS किया, ऑब्वियसली आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा डिग्री के बाद CITS किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बिल्कुल बेसिक है ITI प्लस 10th, बेसिक है रविंद्र हंसा, बिल्कुल बेसिक है। अगर इस BA बेसिक आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा ऊपर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेसिक जो है ये होना ही चाहिए। ऊपर का आपके पास बीटेक किया हो, डिप्लोमा किया हो, MBA कराओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो 10th प्लस ITI होनी जरूरी है, या 10th प्लस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। क्लियर, ठीक। और अगर आप लोगों ने CITS किया है तो मैं एक जल्दी ही नई वीडियो लेके आऊंगा आपके पास, जल्दी ही एक नई वीडियो ले आऊंगा। कल या परसों जो है क्या डीजीटी ने मैं कहूंगा कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर, एक आदेश जारी किया है सभी सभी
स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के लिए कि आप अब जो वैकेंसी आप भरोगे उसमें जो है सीआईटीएस करना अनिवार्य है, मतलब आईटीआई में जो अनुदेशक की भर्ती होगी उसमें सीआईटीएस को मैंडेटरी कर दिया है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक कुछ जो स्टेट है वो क्या है, वो बिना सीआईटीएस, वो क्या कहते थे, वो सीआईटीएस बिना सीआईटीएस के भी आपका रिक्रूटमेंट कर ले रहे थे और बाद में क्या करा रहे थे, ट्रेनिंग करा रहे थे। लेकिन अभी अभी आपका मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के लिए कि अनुदेशक की रिक्रूटमेंट के लिए सीआईटीएस होना जरूरी है। ओके, ठीक है बच्चों, नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपके यहां पास आऊंगा। आज सैटरडे था बेटा, ठीक, हाँ ये ग्रुप डी के लिए है ओनली, ये जो है ग्रुप डी के लिए लेवल वन 1800 ग्रेड पे जो होता है आपका उसके लिए होगा। कुमारी श्वेता रानी, ये केवल ग्रुप डी के लिए ही है, ओनली ग्रुप डी के लिए ही है, बिल्कुल होगा। ग्रुप डी में 10th प्लस वेल्डर होगा, 10th प्लस आईटीआई कुछ भी हो बच्चों वो सब होगा। शुभम सागर सर, 10th प्लस आईटीआई सिर्फ गैंगमैन और ट्रैकमैन के लिए एलिजिबिलिटी है या सभी पोस्ट के, सभी इस पोस्ट के लिए? बेटा ग्रुप डी की जितने भी आपकी पोस्ट है ग्रुप डी की लेवल वन, बच्चों मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूं, मैं आपको ये बच्चों ये दिखा हुआ बच्चों यहां पर ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल वन, लेवल वन में जितनी भी आती है देख सारे, देखो डिपार्टमेंट कौन कौन से बच्चों, दोबारा देखो कंफ्यूज मत हो, डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है कौन सा लेवल वन का ग्रुप डी का, मैकेनिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इन सभी में बेटा इन सभी में क्या कर दिया अब 10th पास प्लस, ये देखिए 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर 10th पास प्लस आईटीआई, ये देखिए बिल्कुल प्लस कर दिया यहां पर। पहले क्या था वैकल्पिक था, पहले क्या था ये वैकल्पिक था, पहले कैसे था बच्चों, पहले ये देखिए क्या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और क्या था, और अगर नहीं भी नेशनल सर्टिफिकेट हो या आईटीआई हो या फिर इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट टू लेवल वन पोस्ट, ये देखो लेवल वन पोस्ट वैकेंसी इन टेक्निकल, ये सब ये देखो 10th पास और स्लैश, मतलब 10th पास होना जरूरी था यहां पर, ठीक, बाकी आपके पास है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहां पर क्या था आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कह सकता हूं क्या थी, 10th पास थी, लेकिन अब आपको आईटीआई होना कंपलसरी है। सर फिटर से जो किया है वो भी भर सकते हैं, सब भर सकते हैं भाई जिसने आईटीआई केवल फिटर वाला नहीं होता, आईटीआई तो बहुत बड़ी ब्रांच है। आईटीआई क्या है आपकी, देखो एक चीज बच्चों में थोड़ा सा आप क्लियर कर दूं, आईटीआई क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, आईटीआई इंस्टीट्यूट होता है। आप विभिन्न जो कोर्स करते हैं चाहे फिटर हो टर्नर हो मशीनिस्ट हो, किसके तहत करते हैं, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत करते हैं, सीटीएस स्कीम के तहत करते हैं, किसके तहत करते हैं, सीटीएस स्कीम के तहत आप विभिन्न कोर्स करते हो, क्या करते हो, विभिन्न कोर्स करते हो ठीक, किसमें, आईटीआई के द्वारा। आईटीआई क्या है, इंस्टीट्यूट होता है जो विभिन्न जो कोर्स है CTS के अंतर्गत क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अंदर संचालित जो विभिन्न कोर्स है वो किसमें संचालित किया जाता है, आईटीआई में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया जाता है, ठीक। CITS बेटा आपको पता होना चाहिए, CITS CTS आप जो आईटीआई आपको जो विभिन्न ट्रेडों में आप कोर्स करते हो जैसे फिटर कोर्स करते हो मैशनिस्ट कोर्स करते हो ये किसके तहत करते हो, ये करते हो CTS क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत करते हो,
किसके अंदर करते हो? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस के अंदर करते हो। और आप जो एक साल की इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग करते हो, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करते हो, जिसमें आपको नेशनल इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, वो करते हो आप सीआईटीएस स्कीम के अंतर्गत, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर, सॉरी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के अंतर्गत। ठीक, ये किसके तहत? आईटीआई किसके तहत करते हो आप? आईटीआई जो विभिन्न ट्रेडों में करते हो सीटीएस स्कीम के तहत। और एनएसटीआई में जो आप इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करते हो किस स्कीम के तहत करते हो? वो सीआईटीएस स्कीम के तहत। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? ठीक, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। ठीक, और मंडे से हमारी कोर्सेज जो है वो सुचारू रूप से चलेगी क्लासेस, क्योंकि मंडे से बच्चों हमारे पास अभी आने वाले बुधवार से दशहरे, मैं ये बोल सकता हूँ कि दशहरे में हमारे पास दो स्टूडियो होंगे। ठीक, कोर्स बहुत, कक्षाएं बहुत अच्छी तरीके से संचालित हो पाएगी। अभी थोड़ा हौच पौच की स्थिति हो जाती है कभी, क्योंकि बच्चों अभी डीआरडीओ का पेपर हो रहा है, तो आपको इसमें नॉन टेक की फैकल्टीज भी पढ़ाती है, इंग्लिश भी, इंग्लिश वाला अलग फैकल्टी पढ़ाती है, आपका नॉन टेक जो है जिसमें आपका क्वांट है, वो क्वांट एंड रीजनिंग है, वो अलग पढ़ाती है, जीएस वाले अलग होते हैं, जनरल साइंस वाले अलग होते हैं, तो सब के लिए जो है आपका टाइम जो है मैनेज करना पड़ता है। और बच्चों एक इंफॉर्मेशन जरूर, हमारे यहां एक डेडिकेटेड कोर्स, हमारे यहां डेडिकेटेड कोर्स फिटर का, किसके लिए? सेप्टम डीआरडीओ, सेप्टम डीआरडीओ के द्वारा जो अभी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक, उसमें फिटर के लिए डेडिकेटेड कोर्स संचालित किया जा रहा है, डेडिकेटेड, जिसको अगर आप लेना चाहें तो हमारे ऐप मेक इट इजी ऐप जो है आपका, ठीक, आप डाउनलोड कर सकते हो, मेक इट इजी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, उसमें आप जो है अपना कोर्स परचेज करते हो, मात्र 1039 रुपए का आपका कोर्स है, जिसमें आपका डेडिकेटेड कोर्स प्लस एमसीक्यू प्लस बच्चों नॉन टेक पूरा जो है आपका कवर कराया जाता है और जा रहा है, अभी उसकी कोर्स संचालित हो रहा है बच्चों। और इसके साथ साथ बच्चों, इसके साथ आपकी जो उस कोर्स की वैलिडिटी हो वो आपकी 6 मंथ है। ठीक, तो अगर आप जो है फायदा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो है बच्चों यहां पर, मैक्सिमम चीजें जो है, मैं अगर आईटीआई टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर की अगर बात करूं, ठीक, वेल्डर में थोड़ा वेल्डर वाला ज्यादा पोर्शन है, वो तो मैं YouTube में करा ही दूंगा थ्री से, लेकिन अगर मैं आईटीआई फिटर और फिटर मशीनिस्ट और टर्नर की बात करूं, तो बहुत सारा सिलेबस जो आपका कॉमन है। तो अगर आप कुछ अगर आपके पास में से कोई भी जितना फिटर का है और डेडिकेटेड कोर्स जो केवल हम उसी दृष्टि से चला रहे हैं, किसकी? आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।